कौन कौन से आरोपी हैं जो पकड़े गए हैं गौरव सिंघल पे जो हत्या के मामले में? 6-7 तारीख की रात को जो पीसीआर कॉल रिसीव हुई थी कि जी कॉलर के भाई को किसने मार दिया है और खून लथपथ पड़ा है, इस कॉल पे जब पुलिस पहुंची मौके पे तो देखा एक वहाँ से उस आदमी को डिसीज जो गौरव सिंघल है 29 साल का जो जिम का काम करता है उसको मैक्स हॉस्पिटल ले जा चुके थे। वहाँ से मौके पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। हमारी टीम ने FSL को बुलाया, वहाँ का सीन का इंस्पेक्शन कराया और जब आसपास इस लड़के की शादी नेक्स्ट डे थी, जैसे 6-7 तारीख की शादी थी, 7 तारीख की इसकी शादी थी लड़के की अपनी। उसके बाद जो 7 तारीख की शादी थी इसने तो डेथ होगी तो आसपास पूछताछ करी गई तो बहुत सारे इसके रिश्तेदार वहाँ पे थे, उन्होंने बताया कि इसको DJ पे डांस वगैरह कर रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था शादी की, बट कोई लड़का आके बुला के ले गया या वहाँ से कैसे आके इस रूम में आ गया और वहाँ पे डेड हो गया। वहाँ पे देखा ये गया कि लड़के का फादर जो है वो एब्सकॉन्डिंग है। आसपास की पूछताछ और CCTV सर्विलेंस सब चेक किया गया तो देखा गया कि फादर वहाँ से सीन ऑफ क्राइम से निकलता हुआ जा रहा है 10:15 के आसपास। हमने तुरंत जब थोड़ी और पूछताछ करी तो मालूम चला कि आसपास लोकल इंटेलिजेंस से मालूम चला कि नेक्स्ट डे वो कहीं जयपुर के आसपास एरिया पहुँच गया है फादर उसके। हमने अपनी टीम तुरंत यहाँ से रवाना करी, टीम जयपुर पहुँची, जयपुर पुलिस की सहायता से हमने इस आदमी को पकड़ लिया। जब इस आदमी को पकड़ा तो इसके पास से 50 लाख रुपये का सोना और लगभग 15 लाख रुपये कैश भी बरामद हुआ है। इनको अरेस्ट कर लिया गया, इनके फादर को रंगलाल है, लगभग 50 साल उम्र है, वहीं पे बस किराए की इनकम है इनकी, कोई काम ऐसा नहीं करते, कोई नौकरी नहीं करते हैं ये। हत्या की वजह क्या सर बताइए, किस लिए मारा गया? हत्या की वजह जो है फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा था, मदर और दोनों बेटे, इनके दो बेटे थे, मदर और दोनों बेटे एक साइड थे और ये फादर अलग थे। फादर जो है ये रंगलाल ये अलग घेर में रहता था और मदर और बेटे, तो इसको कहीं ना कहीं इनकी फादर की जी ईगो हर्ट हुई कि मेरे बच्चे मेरे सबके आगे इंसल्ट कर देते हैं, बेइज्जती करते हैं। और ये भी कई बार न्यूज़ में आया, मतलब पता करने मालूम चला कि शायद बेटे ने कभी इन पर हाथ भी उठाया है, जो हमारे अक्यूज है रंगलाल इसके ऊपर हाथ भी उठाया, मारपीट करी है, तो इसको कहीं कहीं बेइज्जती फील हो रही थी। पिछले 4 महीने से प्लान कर रहा था कि मैं इसको मार दूँ बेटे को। तो शादी का ही दिन इससे पहले सोचा था कि इस तरीके से ही हत्या करी जाएगी, पहले 4 महीने से आप बता रहे? सोचा वैसे नहीं था बट एग्जीक्यूट वैसे हुआ। फादर ने कुछ लड़कों को बुलाया, बहुत दिन से तैयार किया कि जी बेटे का बेटे को मारेंगे, उस दिन बुला रखा था फादर ने उस आदमी को भी, बट शादी के पहली रात को इसको लगा कि आज की रात ठीक है क्योंकि कल अगर शादी हो जाएगी तो लड़की की भी लाइफ के बारे में इसने फादर ने कहा कि शादी। तो रंगलाल के साथ और कौन गिरफ्तार है? रंगलाल के साथ 3 लड़के और हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अभी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। क्या बाहर से इनको हत्या के लिए बुलाया गया था सर, जो रंगलाल ने? हाँ, आस पड़ोस के एरिया से बुलाया गया था, तैयारी 4-1 महीने से चल रही थी इसको मारने की। अभी सिर्फ फादर को ही गिरफ्तार किया? अभी सिर्फ फादर को किया है, बाकी लोगों को जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे हम लोग। सर फादर को ऐसी क्या बात लगी जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया बेटे को लेकर और शादी से पहले? फादर की जो पूछताछ मान लीजिए, फादर का कहना ये है कि उसको मदर को दुख देना था, जो अपनी वाइफ है उसको, तो इसलिए उसने बेटे की हत्या करी कि मदर को बहुत दुख हो और फिर आगे। बड़ा बेटा है सर? ये बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा भी है इनका। किस चीज़ से किया गया सर हत्या? के लिए जो कैची होती है, जो दर्जी वाली कैची होती है, उसको खोल के उसके एक पार्ट को यूज़ किया गया है स्टैब करने के लिए। लगभग 14-15 बार बॉडी पे वार किए गए हैं। सर जो बेटा है जिसकी मौत हुई है, जिसकी हत्या हुई, उसकी उम्र कितनी है? उसके लगभग 29 साल उम्र थी, वो जिम चलाता है वहीं पे लड़का डिसीज जो है। और इसकी शादी जो तय किसने की थी, लड़का खुद किया था कि पिता ने किया? ये अरेंज मैरिज है, शादी वाला कोई इशू नहीं था, सब लोग खुश थे शादी से, बट फादर क्योंकि परेशान रहता था इससे, इसे फादर को कहीं ना कहीं इसकी ईगो हर्ट होती थी फादर की, और कभी नोकझोंक चलती रहती इनके घर में 15-1 साल से, कहते हैं नोकझोंक चल रही है हस्बैंड वाइफ के बीच। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूट था पहले से, हत्या करके ये कहीं और अन्य राज्य में भागने की कोशिश में थे क्योंकि कैश भी था, ज्वेलरी भी थी, तो कहीं और ये भागने की? हाँ, तो ये यहाँ से राजस्थान की तरफ मूव कर गए रात को, यहीं से ऑटो में निकल के अपना वहाँ से ये प्लान कर गए कि कहीं अजमेर साइड या जयपुर साइड जाना है, वहाँ फादर निकल गया यहाँ से और वहाँ पे जाके फिर हमें इन्फॉर्मेशन आई तो वहाँ से इंटरसेप्ट कर लिया। कैश ज्वेलरी किसकी थी जो इतना सारा कैश? ये कैश ज्वेलरी इसी को बिलोंग करती है फादर को, इन लोगों की रेंटल इनकम है इस एरिया में, इन्होंने किराए पे चढ़ा रखा है, जो रेंटल इनकम आती है उससे कुछ गोल्ड बार्स और कुछ कैश इकट्ठा था फादर के पास। हत्या के लिए सर कोई पैसे भी दिए गए थे जिन 3 लोगों की और बात की है, और उनको हायर किया गया तो उसके लिए कोई पेमेंट दी गई थी उन लोगों को? अभी जो आ रहा है उसमें आ रहा है लगभग 70-75 हज़ार रुपये पे करे गए उनको एडवांस ये काम करने के लिए। कितनी टीम बनाई गई थी सर? लगभग 5 टीम थी हमारी,
और टीमों ने कैमरे चेक करे, टेक्निकल सर्वेलेंस किया और ह्यूमन इंटेलिजेंस से पकड़ा गया फाइनली। पिता को जयपुर से गिरफ्तार किया। जयपुर से गिरफ्तार किया। इसे पत्नी से क्या दिक्कत थी अपनी पत्नी से? झगड़े चल रहे थे इनके हस्बैंड वाइफ के आपस में बहुत दिन से, तो ये रहता भी अलग था, जो बिल्डिंग जहाँ पे मर्डर हुआ बेटे का ये रहता वहीं था, तो वाइफ और बच्चे अलग घर में रहते थे। डेली खाना देने जाती थी वाला फैक्ट वेरीफाई करना पड़ेगा, बट मतलब इसके अलावा इनकी नोकझोंक बहुत चल रही थी। बेटे ने कभी बीच में थोड़े दिन पहले शायद हाथ उठाया था, तो उसके बाद से और उसकी कहता है कि मेरी सोसाइटी में इज्जत ज़्यादा गिर गई, बेइज्जती हो गई। ठीक।